नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनु भारद्वाज जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने अपने लाइव सेशन में बताया था कि मैं कौन कौन से गैजेट्स और कौन कौन सी एक्सेसरीज की अनबॉक्सिंग रिव्यू दूंगा, तो आज ये पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिखाऊंगा GoPro Shorty Mini एक्सटेंशन पोल प्लस ट्राईपोड की। तो दोस्तों, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये बाइकर्स की पहली पसंद है। जिसके पास भी GoPro या अदर एक्शन कैमरा है वो सबसे पहले Shorty खरीदता है, तो वो Shorty अनब्रांडेड भी हो सकती है और या ब्रांडेड भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये ब्रांडेड एक्सेसरीज है GoPro Shorty जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और आप इसे ना सिर्फ एक्सटेंशन पोल की तरह यूज कर सकते हैं बल्कि इसे ट्राईपोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप जो सामने देख रहे हैं यहां पर लिखा है Shorty मिनी एक्सटेंशन पोल प्लस ट्राईपोड और GoPro का यहां पर लोगो दिया हुआ है। इस साइड देखते हैं बैक साइड में क्या लिखा है। ये देखिएगा, बैक साइड में लिखा है पोर्टेबल मिनी एक्सटेंशन पोल एंड ट्राइपोड फॉर ऑन द गो एक्टिविटीज, एक्सटेंड Shorty फ्रॉम 4.6 इंच अप टू 8.9 इंच। कहने का मतलब है कि आप इसे मैक्सिमम 8.9 इंच तक फैला सकते हैं और साथ के साथ इसे छोटा कर सकते हैं 4.6 इंच तक। इसमें बताया हुआ है इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। इट इंक्लूड्स मिनी एक्सटेंशन पोल प्लस ट्राइपोड, यानी एक ही सिंगल एक्सेसरीज है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। और साथ के साथ यहां पर दिया हुआ है कि इंपोर्टेड बाय क्रिएटिव पेरिफेरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इसके बारे में यहां पर आपको बता रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या कर रखा है और किसने इसको इंपोर्ट किया है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस बता रखा है यहां पर है 3900, लेकिन आप इसको खरीद सकते हैं डील में और ये आपको अप्रोक्सीमेट 2200 का आपको मिल जाएगा। लेकिन जो आप यहां पर पैसा खर्च करेंगे वो आपका बिल्कुल जेन्युइन होगा। कहने का मतलब यह है इतनी अच्छी क्वालिटी है कि वो आपको परेशान नहीं करेगा जितना आप पैसा इसे खरीदने में खर्च करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये बाइकर्स की पहली पसंद है और इसको हम अनबॉक्स करते हैं। बाकी कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ, चलिए चलते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। चलिए इस बॉक्स को हम काट लेते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। बहुत अच्छी पैकिंग कर रखी है। ये देखिए दोस्तों, ये है Shorty मिनी एक्सटेंशन पोल प्लस ट्राइपोड। इसको हम निकाल लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। बाकी कुछ नहीं मिलता इसके अंदर, यानी इस बॉक्स के अंदर खाली आपको मिलता है Shorty मिनी एक्सटेंशन पोल प्लस ट्राइपोड। कोई यूजर मैनुअल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये सिंपल एक्सेसरीज हैं। चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। और दोस्तों, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है कि हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बना हुआ हैवी फील होता है और पकड़ने में एहसास होता है कि चीप क्वालिटी नहीं है। और ये देखिएगा, यहाँ पर GoPro का लोगो दिया हुआ है और ये देखिएगा मेटलिक स्क्रू है यहाँ पर। दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेटलिक स्क्रू है जिसका यूज करके आप अपना GoPro माउंट कर सकते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, जैसे बताया गया था कि हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं 4.6 इंच से लेकर 8.9 इंच। दोस्तों, इस टाइम जो इसका साइज है वो है 4.6 इंच। अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो मैक्सिमम आ जाता है 8.9 इंच का। ये देखिएगा, इसे बोलते हैं मिनी एक्सटेंशन पोल। यहां पर आपका GoPro माउंट होता है और इस तरीके से आप इसको पकड़ते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग व्लॉगिंग। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से बंद हो जाता है। और दोस्तों, सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसके आप लेग्स को खोल सकते हैं और ट्राइपोड की तरह इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये ट्राइपोड की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, ना सिर्फ आप इसे एक्सटेंशन पोल बना सकते हैं साथ के साथ ट्राइपोड की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर आपका कैमरा लग जाएगा और आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक्सेसरीज है GoPro की, लेकिन अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वालिटी इसकी अच्छी है और ये बिल्कुल कंपेटेबल है किसी भी GoPro एक्शन कैमरा के साथ। वैसे आप कोई भी एक्शन कैमरा यूज कर सकते हो, चाहे वो एसजे कैम है, चाहे वो प्रोकस है, तो ऐसे कई तरह के एक्शन कैम है जो आप इस पर माउंट कर सकते हैं। ये देखिए, प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है, चीप क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे आपको पता है ब्रांडेड है GoPro और GoPro कभी भी क्वालिटी के साथ यहां पर समझौता नहीं करता है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं नीचे से भी। ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये आपका GoPro एक्शन कैमरा है और मैं इसे माउंट करना बताता हूं कि हमको ये स्क्रू खोलना पड़ेगा और इस तरीके से हम इसे माउंट करेंगे। ये देखिएगा,
यहां पर स्क्रू लग देंगे। ये देखिएगा दोस्तों, ये GoPro आपका यहां पर माउंट हो गया। इस तरीके से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जहां भी आपको सेट करना है। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप इस मिनी एक्सटेंशन पोल को इस तरीके से पकड़ के अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या सामने की तरफ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे ट्राइपॉड की तरह यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, एज ए ट्राइपॉड की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों आपको साफ पता लग रहा होगा कि किस तरीके से हम GoPro छोटी ना सिर्फ मिनी एक्सटेंशन पोल की तरह भी यूज कर सकते हैं और ट्राइपॉड की तरह भी यूज करके अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, जबरदस्त ग्रिप बनती है दोस्तों। बस दोस्तों अंतर इतना है कि अगर आप लोकल एक्सेसरीज लोगे तो बहुत कम चलेगा और हो सकता है कंपेटेबल ना हो GoPro के साथ, ढीला रह सकता है। अगर आप ये GoPro शॉर्टी लेते हैं तो बिल्कुल ये कंफर्टेबल है GoPro के साथ, हिलेगा भी नहीं जरा सा भी और आपको एक अच्छी फीलिंग देगा रिकॉर्डिंग के टाइम पर। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अनब्रांडेड खरीदना है या ब्रांडेड खरीदना है। चलिए इसे दोबारा से हम ट्राइपॉड बना देते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था इस टाइम जो है ये है 4.6 इंच और अगर ये मैक्सिमम इसे अगर हम देखते हैं तो ये आता है आपका 8.9 इंच। तो दोस्तों जिसके पास भी GoPro एक्शन कैमरा है उसके लिए मैं इसको रिकमेंड करूंगा, जरूर खरीदें क्योंकि इसके बिना आपका GoPro अधूरा है। दोस्तों अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7060926709 पर, और आप पर्सनल मैसेज भेजकर भी आप मुझसे इसके प्राइस को पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी है, ब्रांड है और फुली कंफर्टेबल है आपके GoPro एक्शन कैमरा के साथ। दोस्तों एक बार और बता दें, ये ज्यादातर ब्लैक कलर में ही आता है, बीच में स्पेशल इसका एडिशन निकला था व्हाइट इन कलर, तो ज्यादातर ये जो आपको अवेलेबल होगा ये ब्लैक इन कलर ही होगा। और दोस्तों अगर आप इस GoPro एक्शन कैमरा को निकालना चाहते हैं तो सिंपल आपको ये स्क्रू खोलना पड़ेगा इस तरीके से, और खोलने के बाद आप इसे हटा देंगे। ये देखिएगा, रखने के लिए इसे आप सिंपल वापस स्क्रू को चढ़ा देंगे। ये आपका GoPro एक्सटेंशन पोल है, ये देखिएगा, इस तरीके से ये आप अलग कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइम मैंने अपने GoPro 5 को माउंट कर रखा है GoPro शॉर्टी पर, जिसे हमने मिनी एक्सटेंशन पोल और ट्राइपॉड भी बोला है, और आप इस टाइम मेरी वीडियो देख पा रहे होंगे। जो इस टाइम इसकी लेंथ है वो है 4.6 इंच और मैं इसको एक्सपेंड करता हूं और इसे बना देता हूं 8.9 इंच। तो दोस्तों मैंने इसे फुल लेंथ में खोल लिया है तो आप देख पा रहे होंगे वीडियो। और दोस्तों ये जैसे मैंने बताया था कि इस तरीके से आप GoPro पे माउंट करके व्लॉगिंग कर सकते हैं या कुछ भी ऐसी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी तरीके से यहाँ पर वीडियो बने। तो ये सैंपल वीडियो था इस GoPro छोटी का। दोस्तों बैक साइड पे बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि इस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे ऑफिस का, और पिछले 5 महीने से कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूस चल रहा है क्योंकि जैसे आपको पता है लॉकडाउन पीरियड में ये सारे काम रुक चुके थे, तो अब दोबारा से कंटिन्यू हुआ है। तो प्लीज बैकग्राउंड पे ना जाएं, खाली इस वीडियो का आनंद लें। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा GoPro छोटी, जिसकी परफॉर्मेंस और उसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू हम देखेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है और किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं, मैं दोबारा हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।